नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। बीती रात मुंबई में एक अवार्ड शो का आयोजन हुआ। यहां बॉलीवुड के कई सितारों को स्पॉट किया गया। शाहरुख खान ब्लैक फॉर्मल में आते दिखाई दिए। उन्होंने 24 साल बाद एक बार फिर जी सिने अवार्ड में परफॉर्म किया। शाहरुख खान ने स्टेज पर मोहब्बतें की याद दिलाई। एक्टर ने झूमे तो पठान चलिया जैसे गानों पर परफॉर्म किया। वेटरन एक्टर्स जितेंद्र और शक्ति कपूर भी इस शो में आए। शक्ति कपूर का अपना फेवरेट डांस स्टेप करते दिखे। सनी देओल अपने दोनों बेटों के साथ आए। बॉबी देओल ने सॉन्ग दुनिया हसीनों का मेला में कदम थिरकाए। वहीं कियारा आडवाणी, अनन्या पांडे, विद्या बालन, रानी मुखर्जी, सई मांजरेकर, मौनी राय सहित अन्य सेलेब्स भी इस अवार्ड शो में नजर आए। रणदीप हुड्डा, शाहिद कपूर, अनिल कपूर, कृति सैनन, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी दिखे। खुराना ब्रदर्स यानी कि आयुष्मान खुराना और अपार शक्ति खुराना ने जी सिने अवार्ड शो को होस्ट किया। अब आपको बताते हैं कि इस अवार्ड शो में तो बहुत सारे कलाकार आए, पर कुछ ऐसे कलाकार थे जिनकी निगाहें यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने का था, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने पे थी और बेस्ट फिल्म के अवार्ड्स का इंतजार सभी को था। तो अब आपको हम बताएंगे कि किन एक्टर्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, कौन बनी बेस्ट एक्ट्रेस और कौन सी इस साल की बेस्ट फिल्म रही है। तो आपको बता दें कि जी सिने अवार्ड 2024 का जो विनर रहा है वो बेस्ट फिल्म के लिए जवान को शाहरुख खान की जो मूवी आई थी उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। वहीं बेस्ट एक्टर भी शाहरुख खान चुने गए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो कियारा आडवाणी और बेस्ट VFX जवान के लिए रेड चिली एंटरटेनमेंट को दिया गया। बेस्ट एक्शन स्पाइरो, राजा टोस, एनएल आरासू, क्रेग मैग्रो और जवान की टीम के लिए था। वहीं बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक जवान के लिए अनिरुद्ध को मिला और बेस्ट डायलॉग जवान के लिए ही सुमित अरोड़ा और बेस्ट प्ले सिंगर मेल के लिए अजीत सिंह, वो भी कौन से गाने के लिए, पठान से झूमे जो पठान। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में शिल्पा राव बेशरम रंग फिल्म पठान और बेस्ट लिरिक्स कुमार जो चिलिया पठान और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन मनीष मल्होत्रा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को मिला। बेस्ट स्टोरी एटली की जो जवान आई थी उसको मिला। वहीं परफॉर्मर ऑफ द ईयर मेल का जो अवार्ड दिया गया है वो है कार्तिक आर्यन। वहीं बेस्ट कोरियोग्राफी बॉस्को मार्टिस झूमे जो पठान। आपने देखा कि जहां देखो वहीं पर पठान ने बाजी मारी। जी सिने अवार्ड 2024 पूरी तरीके से पठान के नाम रहा। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सॉन्ग, तो यानी कि सारे के सारे अवार्ड्स यहां पर जो है शाहरुख खान की फिल्म लेकर गई। वहीं बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर कार्तिक आर्यन बने और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से नवाजा गया कियारा आडवाणी को। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।